अरुण भूमि के सभी दर्शकों का एक बार लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बहुत ही गर्म मुद्दा हमारे राज्य में छिड़ा हुआ है कुछ दिनों से, वो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के LDC एग्ज़ाम में किसी एक कैंडिडेट का मोबाइल और ईयरफोन के साथ में पकड़ा जाना। जी हाँ, ये घटना परसों यानी कि 3 अक्टूबर की है, जब IGG कॉलेज का जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर था LDC एग्ज़ाम का, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का, तो उसमें इन्विजिलेटर को पता चलता है कि जो एक कैंडिडेट है वो मोबाइल और ईयरफोन के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हुआ था। साथ ही साथ पुलिस को सूचना दी जाती है और उसके बाद पुलिस जो है आकर के उस लड़के को, उस कैंडिडेट को डिटेन करके लेके आते हैं। उसके बाद से ही लोहित पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन में जुट जाती है। पिछले 2 दिन यानी कि 3 और 4 तारीख को हमने कोशिश बहुत की कि SP साहब या DSP साहब या OC साहब से हम बात कर सके इस पूरे मामले में, लेकिन हमें पता चलता है कि इस जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा घटना घटा है इसका मोबाइल और ईयरफोन ले जाने का, तो उसी चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने में हमारे लोहित जिला की पुलिस बिजी थी। आज यानी कि 5 अक्टूबर को, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं SP ऑफिस में खड़ा हूँ, लोहित डिस्ट्रिक्ट का जो SP ऑफिस है, तो यहाँ SP साहब से हमें अपॉइंटमेंट मिला है। बाकी का जो पूरा एनालिसिस है, हम सर से पूछते हैं कि किस प्रकार से ये संभव हो पाया है कि इतना फिस्किंग चेकिंग होने के बावजूद कोई कैंडिडेट मोबाइल और ईयरफोन जैसी बड़ी चीज़ों को लेकर के IGG कॉलेज के एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश कर गया। आइए सर, वेलकम टू अरुण भूमि। सर, परसों जो हमारे यहाँ सर IGG कॉलेज में APSSB का LDC एग्ज़ाम हो रहा था सर, उसमें हमें पता चला सर एक जो कैंडिडेट था मोबाइल के साथ में पकड़ा गया सर। कैसे पॉसिबल है सर, एक इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद किसी का मोबाइल लेकर अंदर चला जाना सर? जैसा कि आप सभी जानते हैं, IGG कॉलेज 200 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और उसका जो भी बाउंड्री वॉल है वो कहीं कहीं पे ब्रेक डाउन है, साथ ही साथ मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं। IGG कॉलेज में एक सेंटर में 4 ब्लॉक्स थे, हमने एज़ पर द SOP डिप्लॉयमेंट वहाँ पर कर रखा था, एज़ पर द SOP ऑफ APSSB, बट एज़ यू नो कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, हैवली रेनफॉल हो रहा था मॉर्निंग टाइम में, और उस सिचुएशन में इस कैंडिडेट ने कहीं से इस ट्रिक करके और ये मोबाइल लेकर अंदर क्लासरूम में चला गया। सर, लेकिन हमें जो वहाँ का आई विटनेसेस थे, कुछ कैंडिडेट्स थे और इवन कॉलेज का जो स्टाफ है, उन्होंने हमसे संपर्क करके बताया सर कि उसको दबाव डाला जा रहा है ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए सर, जबकि उसने सर ओपनली कहा है कि पुलिस ने चेक नहीं किया, और क्योंकि वहाँ पर लोगों ने हमें बताया सर, कहाँ तक सच्चा पता नहीं, उसने पुलिस ने मुझे चेक ही नहीं किया, मैं लेके आ गया बोल के ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनका कोट करिए। सेकंड, अगर किसी आदमी का इंटेंशन मोबाइल ले जाने का नहीं था, तो आपको मैं बता दूं कि इन्विजिलेटर ने क्लासरूम में इस बात को 1 नहीं 2-3 बार बोला था कि अगर किसी के पास कुछ भी प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं तो वो जमा कर दें। कुछ लोग हैं जो घड़ी के साथ, एक आदमी आ गया था, उसने अपनी घड़ी सबमिट कर दी थी एज़ पर द SOP, बट इस व्यक्ति ने अपनी घड़ी ना मोबाइल ना हेडफोन मोबाइल आपका ईयरफोन और वॉलेट कुछ भी सबमिट नहीं किया, जब उसे बोला गया था। एग्जैक्टली, तो आप किसी एक्यूज्ड की बात मानेंगे या आप किसी अथॉरिटी जब कोई बात कह रहा है उसकी बात मानेंगे? सबका परसेप्शन अलग अलग है। नहीं, परसेप्शंस तो आपको बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको देखना है कि दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 2 बार 3 बार कोई इन्विजिलेटर का स्टेटमेंट हमारे पास है, उस समय वहाँ पे जो ऑब्जर्वर थे उसका स्टेटमेंट हमारे पास है, इन्विजिलेटर ने 1 बार नहीं 2-3 बार इस बात को मेंशन किया था कि जिसके पास कोई भी अगर प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं तो काइंडली सबमिट कर दें। हमें जैसा पता था आप बहुत बिजी थे 2-3 दिनों से ये इन्वेस्टिगेशन में सर, तो फिलहाल सर इसका स्टेटस क्या है? हमने इसमें 39/2021 FIR तेजू में रजिस्टर कर ली अंडर सेक्शन 420, 417, 188 एंड 66 DIT एक्ट में। फर्दर CDR एनालिसिस के लिए इस बीच में अगर इसने कॉल की है, क्योंकि इंटरनेट पूरी तरीके से बंद था, तो बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा सर, मोबाइल ले जाके बंदा करेगा क्या जब पूरा इंटरनेट शटडाउन था सर? देखिए, इंटरनेट शटडाउन है, बट कोई भी कॉल करके तो इस बात को कर ही सकता है वेरीफाई कि मेरे ये क्वेश्चन से इसका जवाब क्या होगा, दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट कहीं ना कहीं वॉयलेशन तो उसने बेसिक डायरेक्शंस का तो कर ही दिया था इनिशियली। सर, उस कैंडिडेट का बारे में हमने सुना है सर, वो एक टीचर है सर, तो ही इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इन वॉलोंग।
ही इज नॉट परमानेंट टीचर, ही इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर. एंड वेयर इज ही पोस्टेड सर? वालोंग. वालोंग अंजाव डिस्ट्रिक्ट से. सारथी हो सकता है. मैं थोड़ा सा फैक्ट्स आप दो दिन बाद पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा. ठीक है सर. तो इसका सर इन्वेस्टिगेशन आप लोग सर कब तक होपफुली मतलब कब तक हो जाएगा सर? इट विल टेक टाइम. अगर FSL भेजना पड़ेगा तो हम FSL भेजेंगे, बट प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है. उसका CDR आज हम एनालिसिस करके फाइनल कुछ ना कुछ जो आउटपुट होगा वो बता सकते हैं. सर ऐसे केसेस में बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है या जो कैंडिडेट्स उनको पता नहीं है कि ऐसे में अगर पकड़े जाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है सर? देखिए एडमिट कार्ड में ये डायरेक्शंस क्लियर कट लिखी हुई हैं कि कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि पेन, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, सोशल मीडिया के थ्रू भी APSSB इस बात को बार बार सर्कुलेट करता है. थर्ड, उस इन्विजिलेटर को भी बार बार इन्विजिलेटर भी इस बात को बोलते हैं. एंड फोर्थ, चेकिंग फ्रिस्किंग पार्टी तो इनिशियली बिल्कुल चेक करके सबका निकाल रही होती है सामान. तो ऐसा नहीं हो सकता कि कैंडिडेट को यह बताना हो कि क्या सामान ले जाना हो क्या नहीं ले जाना. क्लासरूम तक में ये बात दो बार तीन बार बोली जाती है. सर और सर आखिरी सवाल सर, तीन पुलिसकर्मियों को जो सस्पेंड किया गया है तो उनका क्या रोल है सर इसमें जो सस्पेंड है सर? देखिए किस बात को प्रॉब्लम ये है कि सस्पेंशन किस चीज़ पे हुआ. जी जी, प्राइमा फेसी जो नेग्लिजेंस दिख रहा था कि चेकिंग फ्रिस्किंग में कहीं ना कहीं ढील हो गई, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे या एक्यूज का इंटेंशन था वो सामान ले जाना, उसको जब तक हम एस्टेब्लिश नहीं कर लेते हैं तब तक वो अंडर सस्पेंशन रहेंगे. तीन और? हाँ तीन. ओके सर, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू.